भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन द्रोणाचार्य शिक्षकों की क्लास लगा दी जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। राष्ट्रपति ने ऐसे द्रोणाचार्य शिक्षकों को फटकारते हुए कहा कि पहली पीढ़ी के छात्रों के साथ आपको सेंसिटिव होकर पेश आना चाहिए और ऐसे वंचित छात्रों को क्लासरूम और हॉस्टल में घर जैसा माहौल देना चाहिए। उच्च शिक्षा अधिकांश युवाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूह से आने वाले युवाओं के लिए समतामूलक और समावेशी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। ओडिशा के अपने छोटे से गांव से शहर जाकर अध्ययन करने के अपने अनुभवों को याद करके मैं कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आने वाले फर्स्ट जेनरेशन स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण बनाकर आप सब एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। IIT और IIM जैसे बड़े शिक्षण संस्थान मनुवादियों का अड्डा बन चुके हैं। वहाँ SC ST और OBC छात्रों के साथ खुलेआम भेदभाव होता है क्योंकि वहाँ सारे के सारे टीचर्स और स्टाफ सवर्णों से भरा हुआ है। तनाव और भेदभाव से परेशान होकर कई छात्र खौफनाक कदम उठा लेते हैं। राष्ट्रपति ने इस बारे में भी अपनी चिंताएं जाहिर की। जिस तरह एक बड़े संयुक्त परिवार का समझदार और संवेदनशील मुखिया और वरिष्ठ सदस्य अपने परिवार के हर सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह आप सबको तथा शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। आप सब विद्यार्थी के मार्गदर्शक भी हैं और अभिभावक भी। आपका प्रयास होना चाहिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को अपने घर जैसा सुरक्षित और संवेदनपूर्ण वातावरण मिले। शिक्षकों और संस्थानों के प्रमुखों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थीगण तनावमुक्त होकर अध्ययन का आनंद ले सके। क्या ऐसे हो सकता है? IIT और IIM जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में द्रोणाचार्य शिक्षकों की वजह से ही बहुत से SC ST OBC छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वंचित वर्गों के छात्रों को कभी आरक्षण के नाम पर ताना दिया जाता है कि आप तो डिजर्व नहीं करते, आरक्षण की वजह से आपको सीट मिल गई, तो कभी मेरिट के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT और IIM में आरक्षित छात्रों के ड्रॉप आउट का भी जिक्र किया और पूछा कि ऐसा भला क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किए गए एक विश्लेषण से एक ज्ञान हुआ है कि लगभग 2500 विद्यार्थियों ने IITs में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उन विद्यार्थियों में लगभग आधे विद्यार्थियों आरक्षित वर्गों से ही है। IIM में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले लगभग 100 विद्यार्थी थे और उनमें अधिकांश विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से थे। ड्रॉपआउट्स की समस्या पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समाधान निकालने की आवश्यकता है। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस कार्यक्रम में बोल रही थी उसमें उन्हें सुनने वाले लोग भी प्रोफेसर्स और टीचर्स ही थे। यानी राष्ट्रपति ने टीचर्स के सामने ही उनकी क्लास लगा दी और उन्हें द्रोणाचार्य ना बनने की नसीहत दे डाली। राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम इसी साल फरवरी महीने में हुआ था जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी, लेकिन उन्होंने सोमवार को ये वीडियो क्लिप अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए फिर एक बार इन समस्याओं की ओर देश का ध्यान खींचा। इसी शनिवार के दिन IIT दिल्ली में एक 20 वर्ष की विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने की हृदय विदारक घटना घटी है। आत्महत्या की ऐसी दुखदायी घटनाएं और भी कई शिक्षण संस्थानों में हुई है। मेरी बात किसी संस्थान विशेष तक सीमित नहीं है, ये पूरी शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय है। विद्यार्थियों की परिसर में या छात्रावास में अथवा संस्थानों के कार्यालय में
तनाव अपमान अथवा उपेक्षा से बचाना तथा उन्हें समझाना और सराहना देना सहारा देना शिक्षण संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में आए दिन दलितों आदिवासियों के साथ भेदभाव के मामले सामने आते हैं। अक्सर वहां जातिवाद का घिनौना खेल खेला जाता है। ऐसे में जरूरत है कि वहां प्रोफेसर्स की नियुक्तियों में SC ST OBC की खाली पड़ी सीटें भरी जाएं और इन कैंपस को द्रोणाचार्य के जातिवादी अड्डे बनने से रोका जाए और अधिक समावेशी बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, ताकि सभी जाति धर्म वर्गों के लोग वहां पर प्रोफेसर हो, उनको एडमिशन मिल सके। उम्मीद है राष्ट्रपति के इस जरूरी संदेश के बाद मोदी सरकार को भी कुछ शर्म आएगी और वो SC ST OBC की खाली पड़ी सीटों को भरेगी, बैकलॉग को भरेगी और इन कैंपसेस को सबके लिए समानता का प्रतीक बनाएगी। राष्ट्रपति के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप ये जो समस्याएं राष्ट्रपति ने गिनाई हैं, जो बताई हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें समर्थन भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।